बताएंगे मनीष मित्तल, प्रदेश सचिव भाजपा के। सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए। इसी के साथ इस सेशन में हमारे साथ सुरेंद्र कौशिक, इनेलो जिला अध्यक्ष रहेंगे। सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए। और इस सेशन में हमारे साथ डॉक्टर मनीष राव, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। आयुष आप भी मंच की तरफ आइए। इस सेशन में हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ में विकास को लेकर। महेंद्रगढ़ में किस तरीके से विकास हो रहा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्वास्थ्य का हाल कैसा है, शिक्षा का हाल कैसा है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। और महेंद्रगढ़ में अब तक कितना विकास हुआ इस पर आयुष, ओवर टू यू। तो धन्यवाद ममता सर, आप लोग अपना अपना माइक ले लीजिए। तो महेंद्रगढ़ में कितना विकास हुआ है आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और सिर्फ महेंद्रगढ़ ही नहीं, पूरे हलकों की चर्चा होगी कि आखिर जब आप विकास की बात करते हैं तो वो विकास दरअसल कितना पहुंचा है और उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि यहां पर इन्हीं तमाम संबंधित विषयों से जुड़े हुए तमाम मेहमान हम लोगों के साथ लगातार जुड़ेंगे। तो सत्र को शुरुआत की ओर ले चलते हैं। और मनीष जी सबसे पहले मैं आपके ही पास आऊंगा। 8 साल अगर हम लोग देखें तो महेंद्रगढ़ को विकास के पैमाने पर आप कहां देखते हैं और क्या कुछ आपको लगता है बदला है? महेंद्रगढ़ में पिछले 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ और पिछले 9 सालों में इतना विकास हुआ कि 70 साल का जो किया हुआ और पार्टियों का और सरकारों का जो काम था वो नगण्य से नजर आता है। आज हम नांगल चौधरी से चलें, नांगल चौधरी में इतना बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है निजामपुर में, मेडिकल कॉलेज कोई सोच नहीं सकता था। जिला महेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज, नारनौल के अंदर आप देखें सारा, यहाँ से 152 नारनौल से इस्माइलाबाद, इतने छोटे से समय में आप देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो सोच नहीं सकता था, पूरे हरियाणा को जोड़ने का जिसने काम किया, 152 करके आज चंडीगढ़ के लिए 7 घंटे जब लगते थे, आज 3 से 3.5 घंटे में नारनौल से चंडीगढ़ व्यक्ति पहुंच जाता है, सुबह नाश्ता करता है और शाम को घर आकर वो अपना डिनर कर लेता है। इस तरह का प्रोग्रेस जो सोच नहीं सकते थे कभी, इस तरह के काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने इतना बड़े आयाम पैदा किए हैं कि महेंद्रगढ़ के लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा काम हो। ठीक है सुरेंद्र जी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं आप तो परिवर्तन पद यात्रा लेकर के निकले हुए हैं आपकी पार्टी की तरफ से और 1600 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं आप लोग, तो परिवर्तन लाने की बात कह रहे हैं। सर बता रहे हैं कि पिछले 8 सालों में यहाँ पर इतना विकास हुआ जो कि 70 सालों में नहीं हुआ, क्या उस पैमाने पर आप देखते हैं कि सही में ये खरा है? 8 साल में जितना विनाश महेंद्रगढ़ का हुआ शायद इससे पहले नहीं हुआ होगा। भाई साहब सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो एक नांगल चौधरी विधानसभा की बात कर रहे हैं, नारनौल का देख लेना क्या हाल है, महेंद्रगढ़ का आप देख लो क्या हाल है। और इस सरकार की सबसे बड़ी काबिलियत बता रहा हूं मैं कि जो हमारा दादरी से लेकर के नारनौल जो नेशनल हाईवे था उसका स्टेट हाईवे बनाने का इन्होंने काम किया है, ऊपर से नीचे लाने में ये सरकार सक्षम रही है। हमारे महेंद्रगढ़ में देखा जाए न कोई गली है, न कोई नाला है, नगर पालिका का बेहाल है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई डॉक्टर है, स्कूलों में ना कोई मास्टर है। आज देखा जाए तो रिश्वतखोरी का आलम, पहले सरकारों में अगर जहां 1 रुपया लगता था आज 100 रुपया लगता है। तहसील में देख लीजिए आप, जहां भी जो NOC मिलती है पहले कोई 2-4-5 हजार रुपया लगता था, आज लाखों रुपए में NOC। मैं आज बड़े अदब से कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आज रजिस्ट्रियां हो रही हैं तो जो आदमी लाखों रुपया अगर देता है तो उसकी हो जाती है रजिस्ट्री, वरना नहीं। आज महेंद्रगढ़ में आप देख रहे हैं, महेंद्रगढ़ में कोई कॉलेज, महेंद्रगढ़ में कोई हॉस्पिटल, महेंद्रगढ़ में सिर्फ रेफर हॉस्पिटल है। और IMT की घोषणा मुख्यमंत्री जी खुद आकर के खुड़ाना में जिन्होंने शिलान्यास रखा
उस पत्थर को उसी टाइम वहां से उखाड़ लिया था। हर तीसरे दिन मीटिंग बैठती है कि अब आईएमटी के लिए आज मुख्यमंत्री से वार्तालाप करते हुए 8 साल में सिर्फ वार्तालाप हुआ है, 1 रुपया आने का काम नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ से नारनोल रोड, अगर महेंद्रगढ़ से नारनोल की दूरी 24 किलोमीटर है, जो कि 15 मिनट का रास्ता है, वो 1 घंटे में तय करना पड़ता है। ये बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा काम है। चलिए, आपने बहुत सारी बातें बताई, मैं इसका जवाब लूंगा मनीष जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष राव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। पार्टी बहुत सारी तैयारियां कर रही है, चूंकि अब 24 तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी विकास के पैमानों पर अगर हम लोग देखें, क्योंकि बीजेपी जाहिर बात है सत्ता में है, वो ये बता रहे हैं कि हमने तो इतना विकास किया जो 70 सालों में नहीं हुआ। सर का कहना है कि ये तो पीछे की ओर ले जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको आम आदमी पार्टी के तौर पर? देखिए, महेंद्रगढ़ जिला, चाहे वो इनेलो की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, या अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है, महेंद्रगढ़ जिले को हमेशा अभाव देखना पड़ा है, पिछड़ापन देखना पड़ा है, अनदेखी देखनी पड़ी है, भेदभाव देखना पड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे साथी मित्तल साहब कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो इन्होंने 8 साल में करके दिखाया है। तो एक बार ये अपने बजट पे नजर डाल लें, 8 सालों में जितने बजट इनकी सरकार के, राज्य सरकार के पेश हुए हैं, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा ये महेंद्रगढ़ को दिलवा पाए और कितना विकास कार्य ये महेंद्रगढ़ में करवा पाए हैं। आज 1.5 लाख करोड़ का बजट हरियाणा सरकार पास करती है, उसमें से कितना हिस्सा ये लोग महेंद्रगढ़ के लिए सुनिश्चित कर पाते हैं। आज महेंद्रगढ़ ने 3 विधायक महेंद्रगढ़ जिले से सरकार में दिए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को दिए हुए हैं, जो कि 10% का हिस्सा हम समझे सरकार बनाने में हमारा सहयोग है। क्या 10% हिस्सा ये हमारे लिए ला पाए हैं? और 5% हिस्सा विधानसभा होने के नाते, जिला होने के नाते 22 जिलों में हमारा बनता है, क्या ये 5% हिस्सा भी ला पाए हैं? 7,500 करोड़ रुपए बजट का बनता है, अगर हम उसका 5% हिस्सा भी मानते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ को ये दे पाई है? नहीं दे पाई है। ये उन कामों को गिना रहे हैं जो इन्होंने अपनी पहली योजना में शुरू किए थे। मेडिकल कॉलेज जिसकी ये बात कर रहे हैं, कोरियावास, ये इन्होंने अपनी पहली योजना में शुरू किया था, 2018 में उसका काम शुरू किया गया था, और ये दूसरी योजना जो कि 19 में जनता ने दोबारा से वोट दिया, 3 सीटें दिखाई, उसके बदले में क्या दिया इस पे ये बताएं। जो ये बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक हब, उसकी भी बात कर रहे हैं, ये 2018 में लॉजिस्टिक हब की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2019 में जो वोट दिया है महेंद्रगढ़ की जनता ने, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं उस पे आप बात करें। ठीक है, चलिए मनीष जी, चूंकि आप अभी कह रहे थे कि आपने तो विकास ऐसा किया कि 70 साल में यहां पर नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज मेरा सवाल उसमें यह है, भारतीय जनता पार्टी से जब भी हम लोग विकास के बातों को लेकर के सवाल पूछते हैं, आप लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि पहले जो विकास था वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था, आपने तो सबका साथ सबका विकास किया, ये आरोप यहां पर क्यों लग रहे हैं इस मंच पर? देखियो, पहले मैं हमारे साथी कौशिक जी का बता दूं, महेंद्रगढ़ में अब आप जाएंगे, नारनौल से महेंद्रगढ़ की रोड का काम चालू है, और उसके बाद आप एक भी पूरे हरियाणा के यदि डाटा आप उठाएंगे, सबका साथ सबका विकास ये नारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना विकास, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसकी डिमांड पूरी ना हुई हो, जिसके अंदर विकास का पैसा पूरा लगा हो। मेरे कोई साथी कांग्रेस का साथी नहीं है, उन्होंने जब तक माननीय हुड्डा साहब की जब सरकार थी, उसके अंदर केवल एक क्षेत्र में पैसा लगता था, महेंद्रगढ़ में जिले में, क्या पूरे हरियाणा में उस विशेष क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी एक ईंट भी नहीं लगी, ये सभी साथी जानते हैं। उसके बाद मैं आपको कोशिश, एक मिनट बीच में मैं नहीं बोला, आप भी बीच में एक एक बात करेंगे तो जरा अच्छी डिबेट, मैं आराम से समय दे रहा हूं। उसके बाद क्योंकि सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप भी समझते हैं कि इस बोखलाट में बात नहीं करनी, जो वास्तविकता है, ओरिजिनलिटी को जनता सब जानती है, जो ओरिजिनलिटी बातें वो हम पब्लिक के सामने करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ईमानदारी से बताता हूँ, उसके अंदर कांग्रेस के साथी नहीं है, केवल आप जब रोहतक के वोटर चालू हो जाता है लोकसभा रोहतक, तो उसके बाद केवल मात्र रोड, केवल रोहतक जिले में रोहतक लोकसभा में थे, उसके बाद रोड नाम की कोई चीज नहीं थी। चाहे नौकरियों का मामला, हमने नौकरियों के अंदर ईमानदारी से नौकरियां लगाई, पूरे हरियाणा के अंदर
महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा नौकरी, सेकंड नंबर पे नौकरी आदि मिलने का काम किया ईमानदारी से, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी यदि किसी को मिली है तो उन पर नौकरी मिली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मनोहर लाल की सरकार में नौकरियां मिली है ईमानदारी से। उसके साथ साथ कोई भी क्षेत्र मुआवजा किसानों के मामले में, किसानों को यदि मुआवजा देने का काम, सबसे पहले ओलावृष्टि में, पहले कांग्रेस के टाइम में 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक आते थे, आज कोई भी 500 रुपए से कम का चेक नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मित्तल साहब, अगर कोई बड़ी बड़ी बातें मैं आपसे जानना चाहूं, विकास की, चूंकि हम लोग यहां बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को आप लोग एंगेज कर पाएंगे, बड़ी योजनाएं बताइए जो पिछले 9 सालों में आपको लगता है कि या तो आपने कर दी है या वो ऑन प्रोसेस है। आपको बता रहा हूं, स्वास्थ्य के मामले में नारनौल सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर हमारा चालू होने वाला है, उसके बाद हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अगले साल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। हेल्थ के डिपार्टमेंट में हर जगह हमने सबसे पहले 850 डॉक्टर्स का लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसी कोई CSC PSC नहीं है जिस पर डॉक्टर नहीं है। पहली बार इतने सालों में डॉक्टरों की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। स्वास्थ्य के मामले में हमारा पूर्णतया एक एक डॉक्टर CSC पे PSC पे बैठता है। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसपे इलाज आयुष्मान भारत का मैं बात करूं, इतनी बड़ी स्कीम आप कहीं भी कोई इलाज 5 लाख तक का इलाज करे, इतने डाटा आप देखेंगे 5 लाख तक का व्यक्ति, आज पहले लोगों को जमीनें गिरवी रखनी पड़ती थी, आज परंतु आयुष्मान भारत का कार्ड जाओ दिखाओ और इलाज। चलिए कौशिक जी हमारे साथ। कौशिक जी, अभी आप तो कह रहे थे रेफरल सेंटर बना हुआ है, सर कह रहे हैं कि यहाँ पर तो डॉक्टर की कमी नहीं, आप कहीं भी चले जाइए इलाज मिल जाएगा, इतनी सारी बातें बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता या जो नेता है, मित्तल साहब मेरे भाई हैं, पर इनको सबसे पहली ट्रेनिंग मिलती है झूठ बोलने की कि जितनी झूठ बोली जाए आप उतनी झूठ बोलो, अगला जवाब देगा तो कितना देगा। भाई साहब कह रहे हैं, एक मिनट अब आप भी सुनने की क्षमता रखो। भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस के राज में सिर्फ रोहतक में रोड बने, मैं मानता हूं इस बात को पक्का, परंतु बीजेपी के सरकार को 9 साल हो गए, 1 साल बचा हुआ है, पहले भी रोड पालड़ी तक था, बदवाना पालड़ी तक, और अब भी पालड़ी तक ही था, नारनौल तक रोड नहीं बना था 9 साल में। नेशनल हाईवे की जमीन इक्वायर हुई, भाई साहब उस बात पे जवाब दें कि ये स्टेट हाईवे कैसे बन गया। उसके बाद में 152 के बारे में कह रहे हैं, 152 ठीक बात है, हमारे यहां से चला है, ये सेंटर की स्कीम है, महेंद्रगढ़ के नेताओं का इसमें कोई लेना देना नहीं। अगर महेंद्रगढ़ के नेताओं का इसमें लेना देना है तो फिर सेड़ंग के पास, बागोद के पास, जिसमें कम से कम भी तो हमारे 50 से 60 गांव लगते हैं सबसे बड़े बड़े, आज धरना वहां पे चल रहा है, क्या इनके हाथ में, इन नेताओं के हाथ में है तो वहां कट क्यों नहीं लगवाते ये। दूसरा, महेंद्रगढ़ का हॉस्पिटल, रेफर हॉस्पिटल, यहां बहुत आदमी बैठे हैं, रिटायर जज भी यहां पे बैठे हैं, राव होशियार सिंह सबसे पुराने नेता बैठे हैं, नगर परिषद की चेयरमैन यहां पे बैठी, हमारे नारनौल में और महेंद्रगढ़ में अगर रेफर हॉस्पिटल नहीं हो, और जो ये कह रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपया स्कीम हमने लागू कर दी, क्या करते हैं, ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन आदमी जाता है, तेरी तो आय 180 से ऊपर है, जिसके पास 1 रुपया नहीं उसकी ये आय 180 से ऊपर दिखा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन, तेरे घर में मोटरसाइकिल है तेरी पेंशन काट दी जाएगी। आज लोग जगह जगह जहां पे भी ये कंप्यूटर वाले बैठे हैं वहां बुजुर्ग चक्कर लगा रहे हैं, यार मेरी पेंशन कट गई देखना, मेरा BPL कट गया देखना, इनके पास कोई पैमाना नहीं, इनको यही नहीं पता कि BPL कैसे बनेगा, पेंशन कैसे बनेगी। चौधरी देवीलाल ने पेंशन चलाई थी, उसमें एक ही बात थी कि जो आदमी 60 साल का हो जाए उसकी वृद्धावस्था पेंशन बनेगी। आज एक परिवार की 1,80,000 रुपए की ID बनी हुई, क्यों कोई परिवार ID 1,80,000 रुपया इनकम आ गई तो उसकी ये पेंशन काटने का काम करते हैं। अच्छा, आज वृद्धावस्था पेंशन, एक मिनट सर, आज वृद्धावस्था पेंशन, आज आप जाओ, आप
समाज कल्याण अधिकारी के पास जाओ, उस ऑफिस में जाओ, उसको जाकर के कहो ये बुजुर्ग 60 साल का हो गया, आप इसकी पेंशन बनाइएगा। वो हाथ जोड़ के कहता है मेरे बस की बात नहीं, मैं पेंशन बना नहीं सकता, आप इसको ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, जाएं तो जाएं कौशिक कहां? ठीक है कौशिक साहब, दो दो अहम विषय आपने उठाए, एक तो डेवलपमेंट को लेकर कह रहे थे वो पहुंचा नहीं, और दूसरा ऑनलाइन से आपको समस्या है। मैं आऊंगा सर, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन मनीष जी आपके भी सवाल थे, आप जो बातें कह रहे हैं उसको काउंटर कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये जो विकास है वो हम लोगों ने किया है 9 सालों में, जो बड़ी बातें हैं वो बता रहे थे, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए अभी उन्होंने अपनी दोबारा बात रखते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ से नारनौल जो स्टेट हाईवे 148 भी ये कह रहे हैं उसका निर्माण कार्य हमारी सरकार करा रही है, तो बजाय कि आप वावाई लूटे श्रेय ले और गौरव महसूस करें, आपको शर्म आनी चाहिए कि 2010 से जो पारित सड़क है जिसको बन जाना चाहिए था, 9 साल तक आपने इलाके की जनता को वंचित रखा है उस सड़क से। इतना लंबा समय आपने इस सड़क का निर्माण नहीं किया, 9 साल तक लोग यहाँ एक्सीडेंट से यहाँ धूल से परेशान रहे, तब आपकी आंखें नहीं खुली, आज आप 10 साल बाद उस चीज को देके श्रेय लेना चाहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि किसानों के लिए ये बहुत बड़ा काम कर रही है सरकार। आज ताजा मामला है ओलावृष्टि और भारी बारिश से जो नुकसान महेंद्रगढ़ जिले की फसल को हुआ है, उसका मुआवजा इन्होंने तुरंत किसानों के खाते में डालने का वादा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, दौरे किए, हेलीकॉप्टर से दौरे किए, लेकिन अब तक भी इस सरकार ने एक भी किसान के खाते में 1 रुपया नहीं डाला। और इसके बाद इन्होंने जो काम शुरू किया वो किया खरीद का काम शुरू करा, 2 दिन में सरसों की फसल खरीदने का काम किया। अब वो फसल खरीदने में भोले किसान ने क्या किया, अपनी फसल तो दी, साथ में जिसने मेरा फसल मेरा ब्योरा पे अपना ब्योरा नहीं दिया था उसकी भी फसल अपने साथ ले ली और मंडी में बेच दी। अब ये सरकार चाहती है कि उसकी जितनी फसल आ चुकी है उस हिसाब से उसका आकलन करेगी मुआवजे का और फिर मुआवजा देगी। तो ये किसानों के साथ शाणपत है, धोखाधड़ी है, ना कि आपकी सरकार किसान हितैषी कार्य कर रही है। ठीक है सर, ये सवाल बहुत बार बार उठता है और ये कहा जाता है आप लोग जस्ट ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पोर्टल से बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज के लिए आप लोग पोर्टल बना देते हैं और उससे समस्या है जनता को। कोई भी काम करने से जब हमारे पास मोबाइल आया था तो कुछ साथी कह रहे थे मोबाइल बड़ा बेकार चीज है, ये है वो, आज हम सब मोबाइल यूज करते हैं। पोर्टल के आने से जो बीच के दलाल टाइप के लोग थे, जो ठेकेदार थे, उनके पेट में दर्द चालू हो गया। आज पोर्टल से आप अपना राशन कार्ड बना सकते हो, 1,80,000 रुपए मेरे साथी कह रहे थे, 1,80,000 रुपए की इनकम जिनकी है, सेल्फ अटेस्टेड थी, जिन्होंने अपने सेल्फ जिन्होंने इनकम दिखाई है, और 14 लाख जो थे राशन कार्ड बीपीएल के, आज बढ़कर 32 लाख रुपया हो गए हैं, 32 लाख राशन कार्ड हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है हर चीज में पोर्टल लगने से, ऑनलाइन बढ़ने से, भाई रजिस्ट्री की बात कर रहे थे, आज ऑनलाइन रजिस्ट्रियां होती है, आजकल ये नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार, केवल आरोप लगाने से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल भ्रष्ट करने के लिए आप पोर्टल पर जाइए, मेरा फसल मेरा ब्योरो में जिसने भी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया है, सरकार ने एक एक दाना खरीदने का काम किया, सरकार ने किसानों के लिए मुआवजा देने का काम किया, सरकार ने 6,000 रुपए सीधे खाते में देने का काम किया किसानों को। आप देखिए किसी भी रूप में सरकार ने, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैन टू मैन गांव में जाकर जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई आज तक के इतिहास के अंदर जो गांव में जाकर नजर से नजर मिला के बात कर सके, लोगों से बातचीत कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास है, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे पास है। इस तरह से किसी भी रूप में जो किसानों के मामले में बात हो, और हमारे साथी कह रहे थे रोड सेंटर ने बने, सेंटर भी भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में, नरेंद्र भाई मोदी उनके प्रधानमंत्री है, ऐसे प्रधानमंत्री ये सड़क जो भी दिया है, महेंद्रगढ़ की जहां बात करें, महेंद्रगढ़ में आप देख IMT का काम हमारा सर्वे चल रहा है, IMT का काम चल रहा है, सेंट आपने एक एक चीज के अंदर, आप महेंद्रगढ़ का रोड आप देखिए बन रहे हैं, आप CSC जाके देखिए, ऐसी CSC नांगल सिरोही में है आप देख नहीं सकते। महेंद्रगढ़ में हमने जो आयुष्मान दिया है, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा था वो प्राइवेट में के अंदर कर सकता है, प्राइवेट पैनल्स पे गुड़गांव महेंद्रगढ़ के अंदर 13 हॉस्पिटल्स है। आप एक एक चीज का आरोप तो कोई भी लगा सकता है, परंतु डाटा से यदि हम बात करेंगे मेरे साथी, तो उनका जब पता चलेगा कि पहले की सरकारें कहां खड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, तो हर फील्ड के अंदर
यदि हमने नौकरियों के मामले में, हमने हुड्डा साहब की सरकार से 7 गुना नौकरियां देने का काम किया है। आने वाले समय में 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री को 70,000 नौकरियां और हम दे रहे हैं, तो हर तरह से। लेकिन इस डाटा को लेकर के तो सवाल उठते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इसको अगर आप लोग, आपने ऐसी नौकरी दी तो श्वेत पत्र ले आइए। अभय चौटाला जी भी यही बात कर रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा भी यही बात कर रहे हैं, श्वेत पत्र लाइए अगर आपने इतनी नौकरी दी है। हर नौकरी का आप RTI है, आप पता कर लीजिए कितनी नौकरियां लगी है, अब बिना पर्ची बिना खर्ची के लगी है, आप बता दीजिए ना। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने फला में, आज इंटरव्यू हमने खत्म कर दिया, आज पेपर हुआ कल की तारीख मेरी, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देने का काम किया, पेपर रद्द हो गया, रिजल्ट देने का काम किया हमने। आज पेपर डाटा से बात कीजिए, आप कितने नौकरी, डाटा की बात कर लेते हैं। कौशिक साहब, इन्होंने जितने फार्म आज तक भरवाए, रुको, इन्होंने जितने फार्म भरवाए आज तक, चलिए सुन लीजिए, अभी सुनिए, आप सुनिए, आप की तरफ से यहाँ बोल लो, आप सुनिए, नेशनल लोकदल के टाइम में भर्तियां जितनी भर्ती आई, चाहे पुलिस की भर्ती थी चाहे कोई भर्ती थी, सारी भर्तियां कैंसिल हाई कोर्ट में कैंसिल हुई, हाई कोर्ट के, ठीक है सर, एक सेकंड, अरे ठीक है, सुनिए, कौशिक साहब, आरोप है ना, आप सुनिए, इसके अंदर ऑनलाइन है सारा काम, आप सुनो, भ्रष्टाचार तो खत्म है, बहुत जल्दी से रिएक्शन दीजिए, सारा मामला बहुत जल्दी से, 1 सेकंड, आप जो अभी भाई साहब ने बात रखी, मैं सिर्फ जो ये बात रखेंगे, मित्तल साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, और बड़ी बात ये हमारे को कोई भूल भी जाते हैं तो ये याद दिला देते हैं। इन्होंने कहा जनसंवाद मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, अब जनसंवाद का मतलब क्या होता है कि पब्लिक का कोई भी आदमी आकर के मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत दे सकता है, पर इनका, हमारा मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, एक विधायक को कहता है 5 आदमी नॉमिनेट करके भेजो, MP को कहते हैं 5 आदमी, टोटल 25 आदमी, फालतू की बात ना करें, मैं बोलूं सिर्फ उसको सुनना है, जहां भी गए हैं वहीं कुछ न कुछ घटनाएं हुई, और एक कमरे के भीतर बैठ करके जनसंवाद करके जाते हैं, ऐसा पहला मुख्यमंत्री है, पहला। चलिए उसके बाद में सर प्लीज आप हमारे को टाइम दीजिए, हमारे पास समय की थोड़ी सी, आप समय के साथ साथ हमारी, अभी 1 मिनट, क्या 2 दिन में जमींदारों की सरसों बिक सकती है? 2 दिन इन्होंने मंडियां खोली, 2 दिन में सरसों आई, जो इनके दलाल थे कोई 500 रुपया क्विंटल का, कोई 200 रुपया क्विंटल का, लोगों ने उनके घर में डालने का काम किया। भाई साहब को, मित्तल साहब को शायद इस बात का ज्ञान नहीं कि इन्होंने पोर्टल के ऊपर बताता हूं कि एक आदमी के नाम अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो या तो मित्तल साहब राजनीति छोड़ देंगे या हम छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगा, उसके लिए मेरी बात सुनो, आप पहले, आप सर मेरी बात सुनो, आप, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, उसके लिए जनता, आप 5 साल के बाद, सर प्लीज एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस आदमी के नाम 2 कनाल जमीन है और वो भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, वो पोर्टल के ऊपर 100 एकड़ अपनी जमीन चढ़वा गया गाँव की, कि मैंने 100 एकड़ में खेती कर रखी है, और जिस आदमी की पुश्तैनी जमीन है उसको भी चढ़वा गया, जब जिसकी जमीन है वो पोर्टल पे जाता है तो वो कहते हैं कि ये जमीन पहले ही चढ़ चुकी है, क्या इसमें कोई मेरी झूठ है? नहीं, ठीक है, तो जिसकी जमीन है वो सरसों कहाँ बेचेगा, दलाल बेच रहा है सरसों को, दलाल हमारे माध्यम से जनता के सामने बात करती है और जनता इसका फैसला करेगी। मेरे पास समय नहीं है, मुझे सत्र यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और आप लोग का शुक्रिया, इस सत्र में चढ़ जाती है मित्तल साहब, फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर, काश्तकारी दिखा के चढ़ जाती है, काश्तकारी है तो ही चढ़ेगी, अदरवाइज चढ़ जाती है, जमीन से ज्यादा नहीं चढ़ती है, मेरे साथी को मैं बताना चाहता हूँ, और जिसके अंदर चढ़ रही है, चढ़ रही, एक भी आप हमारे पास डेली आते हैं, चढ़ रही है।